गाइस 10 o'clock कितना अच्छे से लगा है, इसको कटिंग के थ्रू बड़े आसानी से लगा सकते हैं रेनी सीजन में। ये कटल्यूस है, ये देखिए जड़ें तैयार रहते हैं, इसको कट करके मिट्टी में डाल देने से बहुत बढ़िया इजी सी ग्रोथ हो लेता है। एक क्ल्यूस है, ये भी कटिंग के थ्रू इसके बल्ब होते हैं, बड़े आसानी से रेनी सीजन में बहुत जल्द ग्रोथ होते हैं, ये भी कटिंग के थ्रू लगा सकते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगता है। इंडोर और आउटडोर दो भी ग्रोथ अच्छे से हो लेते हैं। ये देखिए 24 इंची पॉट में किस तरह से ग्रोथ हो रहा है, इतना बड़ा, सिर्फ 250 ग्राम तो है ये। ऐसा यूं ही छोड़ने के बजाय आप भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से तरकारी, वेजिटेबल्स, फूल डाल सकते हैं, ताज़ी हवा भी मिलेगी। और टमाटर देखिए देखने के लिए छोटे लग रहे हैं, तोड़ने पर 250 ग्राम या 500 ग्राम तो आपको मिल सकता है। बहुत खूबसूरत सा अच्छा लगता है गार्डनिंग करने में। ये इलायची का प्लांट है, ऑनलाइन में मंगा कर लगाई थी मैं, बड़े अच्छे से ग्रोथ ले रहा है। अभी इलायची इधर नीचे की तरफ लग जाएगी, देखिए ऊपर की तरफ अमरूद का प्लांट लगाई हूँ, अमरूद का ही एक लगे हैं, फूल भी लगे हैं, नीचे की तरफ फूल लगाई हूँ। 10 o'clock बड़े अच्छे से ग्रोथ ले रहा है। ये 12 इंची प्लांट पॉट में रोजमेरी प्लांट लगा कर लगाई थी, बड़े अच्छे से ग्रोथ ले रहा है, इसकी स्मेल अच्छी होती है। और ये नारियल के तेल में डालने पर बालों की अच्छे से ग्रोथ हो सकती है। ये तारसी को वेट नहीं होता, जब हम 70% किचन वॉश वेस्ट पत्तियाँ डालते हैं तो ऊपर 25% मिट्टी डालते हैं तो बिल्कुल भी वेट नहीं होता, बड़े आराम से लगा सकते हैं। मैंने इधर 5 सालों से तारसी पर लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं हुई अब तक तारसी। ये देखिए फ्रेश किचन वेस्ट, ऑनियन की पत्ती, नींबू के छिलके, माउस के छिलके, इस तरह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा हर एक प्लांट को देती हूँ। यही इसकी खाद है, गोबरी है, दुकान की खाद वगैरह अभी कुछ नहीं डाली। देखिए फ्रेंड्स ग्रोथ ले रहा है हर एक प्लांट। ये देखिए इधर अमेरिकन हिबिस्कस है, ये पत्तियाँ तो कई एक बार बोल चुकी हूँ, खाने में यूज़ करते थे, इसकी स्मेल और टेस्टी ही बहुत बढ़िया होता है। ये पूरे का पूरा हल्दी है, ये पूरे का पूरा टमाटर है, ये भी कटिंग के थ्रू बड़े आसानी से लगा सकते हैं। मैंने इसको कटिंग के थ्रू ही 2 साल से गार्डन में मेंटेन कर रही हूँ। ये देखिए टमाटर, ये देखिए हरिया धनिया कितना खूबसूरत लगा है। और अब हम इधर की क्रिस्ता बुनिया, मैंने शावंती के फूल कहते हैं इधर कर्नाटक में, देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। पूरे का पूरा 80% किचन पर वेस्ट मैंने पॉट में डाल देती हूँ, 10% मिट्टी ऊपर डालकर लगाने से इतनी अच्छी सी ग्रोथ होती है। इसको कटिंग के थ्रू भी लगा सकते हैं, जड़ें भी लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग के थ्रू लगाने पर इतनी अच्छी ग्रोथ होगी। देखिए फ्रेंड अब भी इस तरह से खाली तरसी ऐसे यूँ ही छोड़ने के बजाय कटिंग के थ्रू प्लांट्स लगाने पर बहुत अच्छा होगा। देखिए इसको चुड़ियों का घोंसला भी कहते हैं, स्मॉल स्नेक प्लांट, एक प्लांट लाकर लगाई थी तो कई एक 70 प्लांट बन चुके हैं, देख सकते हैं, देखने में भी खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ये पूरे का पूरा मूली है, बड़े अच्छे से ग्रोथ हो रही है। ये पाम प्लांट है मेरा, बहुत अच्छे से ग्रोथ हुआ है रेनी सीजन में, तो खाद डालो या ना डालो अच्छा ग्रोथ हो लेता है। ये स्नेक प्लांट है, कई एक अनगिनत बन चुके हैं, ये देखिए बेबी प्लांट। ये बिंगोनिया है,